भूमाफियाओं के आतंक से परेशान विधवा पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां भूमाफियाओं के आतंक से परेशान विधवा ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि अर्चना सिंह पत्नी स्वर्गीय भोला सिंह निवासी बासघट पुराना बस स्टैंड रीवा ने बताया कि उनका मकान बासघट में बना है। उसके पड़ोस में प्रेम शंकर गुप्ता, राम शंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता रहते हैं। ये लोग विधवा अर्चना सिंह के मकान को हड़पने की नीयत से उनके मकान के ऊपर जबरन निर्माण करा लिया। जब इसकी शिकायत विधवा अर्चना सिंह सिविल लाइन थाना और 100 डायल को की, तो प्रेम शंकर गुप्ता, राम शंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता तिलमिला गए। विधवा अर्चना सिंह के ऊपर दबाव बनाने के लिए वैश्य समाज और कुछ कांग्रेस नेताओं को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिससे हर्षनक दबंग, भूमाफिया प्रेम शंकर गुप्ता, राम शंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता के ऊपर कोई कार्यवाही ना हो सके। शायद यही कारण भी है कि आज तक भूमाफिया प्रेम शंकर गुप्ता, राम शंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और विधवा अर्चना सिंह के छत के ऊपर उपरोक्त लोगों ने जबरदस्ती मकान निर्माण करा लिया है, जिससे परेशान होकर विधवा अर्चना सिंह ने आज रीवा पुलिस अधीक्षक न्याय की गुहार लगाई है। वहीं विधवा अर्चना सिंह ने अभी आरोप लगाया है कि प्रेम शंकर गुप्ता, राम शंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता अनेकों लोगों को लाकर उसका वीडियो बनाकर उसको परेशान करते हैं, फफ्तियां भी कसते हैं और उसको आत्महत्या के लिए भी उकसाते हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? एसपी ऑफिस आई है। मेरे घर में बगल में एक बनिया रहता है, प्रेम और रमा शंकर, ये लोग हमें छत के ऊपर ही छत बनाए हैं। किसका मकान है वो जहाँ रह रहे हैं आप? मेरा मकान है। ये कब से निर्माण करा रहे हैं आपके घर के ऊपर? ये मतलब 10-15 दिन से करवा रहे हैं। मेरा लड़का रहता रहा, नाती वो नहीं रहा, इलाहाबाद में रहता। तो इसका विरोध आपने नहीं किया? बहुत किया, हर जगह आई थाने पुलिस सब घरों के आए, कोई कुछ नहीं। अभी कल कुछ संगठन के लोग आए थे आपके खिलाफ शिकायत करने, क्या था वो मामला? क्या था यही मामले की वजह से कि मतलब ये अर्चना सिंह मतलब घर बनवा रहे ऊपर जबर जाती, उसमें उन्होंने जानकारी भी दी थी, खबर चल रही थी कि ये आप लोगों द्वारा उनको धमकी भी दी जाती है, क्या ये सही बात है कि फर्जी है? धमकी दे रहे हैं, फर्जी खबरें चल रही है, वो लोग यहाँ धमकी दे रहे हैं। तो क्या धमकाने क्या कोई पत्रकार भी जाता है आपके घर? नहीं, वही लोग आते थे। हाँ, वही लोग आते हैं। आपने कैमरा भी लगवा रखा है घर में? जी, हमने कैमरा भी लगवा रखा है। हाँ, तो अगर कोई कुछ किया होगा तो रिकॉर्डिंग तो होगी? नहीं, वो लोग उस तरफ आते हैं, सामने हमारे घर के सामने नहीं आते, वो लोग पीछे आते हैं, प्रेम को प्रेम तरफ आते हैं, प्रेम तरफ कैमरा नहीं है, वो हमारे दरवाजे के सामने है कैमरा। बिल्कुल। एसपी साहब से मिले हैं? एसपी साहब अभी क्या बोले हैं? एसपी साहब बोले हैं कि हो गया, भेजेंगे पुलिस। क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं अरे मतलब छत मेरा छोड़ दिया जाए, मैं बनवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।